संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मिली लाश, चारों तरफ बिखरा था खून, हत्या की आशंका से लोगों ने किया सड़क जाम। चोपन थाना क्षेत्र के दाला ओबरा मार्ग पर स्थित बिल्ली रेलवे क्रॉसिंग के समीप विकास नगर कॉलोनी में स्थित खाली मकान के पास आज एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दिए। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही में जुट गए। युवक रविवार की शाम को घर से निकला था, इसके बाद से उसका पता नहीं चला। वहीं सूचना पाकर गांव के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। परिजनों हत्या की आशंका जताते हुए ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर हालात को संभालकर शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बिल्ली गांव निवासी सूरज उम्र 30 वर्ष पुत्र बच्चन हलवाई का काम करता था। रविवार की शाम वह काम के सिलसिले में ही घर से निकला था। रात में परिजनों ने उससे संपर्क का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। आज सुबह दाला पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर कॉलोनी में सूरज का शव मिलने की जानकारी होते ही आसपास के लोगों को भीड़ एकत्र हो गई। शव के पास काफी खून गिरा था, सिर में गहरे जख्म थे। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी दो चारू द्विवेदी व दाला पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सीओ ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीढ़ी से गिरकर भी मौत हो सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकेगा। खबरजगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, वो उसके बारे में क्या है, दो शब्द बोलें। देखिए, आज दिनांक 8 जुलाई 2024 प्राप्त हुई है और मृतक की पहचान सूरज पुत्र बच्चू राम निवासी बिल्ली थाना ओबरा के रूप में हुई है। उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के लगभग है और मृत्यु अभी संदिग्ध लग रही है। एक खाली मकान के पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे वो गिरी हुई अवस्था में पाया गया है और शव के पास काफ़ी खून भरा हुआ है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी हो पाएगी। प्रथम दृष्टया ये लगता क्या है आपको? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हुई है, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आने पर ही पूरी बात सही पता चलता है। परिवार वालों का कहना क्या है? परिवार वालों ने बताया है कि वो कहीं हलवाई का काम करता था, खाना बनाता था और रात को 10 बजे के करीब निकला था और उसके बाद उसका पता नहीं चला। बाकी हम लोग अपनी तरह से पूरी